दोस्तों आज हम काली खांसी के लिए दोस्तों एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों ये काली खांसी जो होती है दोस्तों बच्चों में अक्सर ज़्यादा पाया जाता है, 10 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। तो इसी के बारे में दोस्तों बात करेंगे, इसी की एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे दोस्तों, जो कि इस तरह की प्रॉब्लम को दोस्तों, काली खांसी की प्रॉब्लम को दोस्तों बहुत जल्द सही कर देता है। तो मैं डॉक्टर हरीश वर्मा, आप सभी लोग का हमारे आयुष होम्योपैथी क्लिनिक गोंडा के इस यूट्यूब चैनल का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये ऊपिंग कफ जो होता है, काली खांसी जो होता है बच्चों में 10 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों, और इसे छुआछूत टाइप की बीमारी मानी जाती है। अगर उस बच्चे के आसपास में संपर्क में जो बच्चे आते हैं दोस्तों, तो उनको भी हो जाने की समस्या ज़्यादा बनी रहती है दोस्तों, या हो सकता है दोस्तों। ये काली खांसी थोड़ा सा खतरनाक माना जाता है बच्चों में दोस्तों, खांसते खांसते बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है दोस्तों। आइए हम स्पॉन्जिया मेडिसिन कैसे काम करती है दोस्तों, इस लक्षण के बारे में देख लेते हैं और दवा को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में देख लेते हैं। जिन बच्चों को सूखी खांसी बहुत ज़्यादा आती है दोस्तों, उनमें ये दवा बहुत तेज़ काम करती है, हल्का फुल्का बलगम निकलता है दोस्तों। इस दवा में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका दोस्तों, और बहुत तेज़ काम करता है दोस्तों। भौं भौं की आवाज़ की तरह दोस्तों खांसी आती है, आधी रात से पहले दोस्तों खांसी की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों स्पॉन्जिया मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करता है दोस्तों। कुछ गर्म चीज़ खाने या पीने से खांसी में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, ठीक है। 3-4-5 सिम्टम थे दोस्तों हमने बता दिया है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता है दोस्तों 2-3-4 मिनट के वीडियो में। आइए दोस्तों हम देख लेते हैं कि दवा का प्रयोग कैसे करना है दोस्तों। दवा का प्रयोग कैसे करना है उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग दोस्तों वीडियो देखने में खो जाते हैं, इधर रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया दोस्तों। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अच्छे अच्छे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें दोस्तों। अगर आप किसी प्रकार की होम्योपैथी मेडिसिन खाते हैं या किसी होम्योपैथी मेडिसिन का हमसे वीडियो अपलोड करवाना चाहते हैं दोस्तों, तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट्स करना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर आप किसी होम्योपैथी मेडिसिन से या डिजीज से रिलेटेड हमसे वीडियो अपलोड करवाना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट्स का रिप्लाई हम तुरंत कर देते हैं, उसका वीडियो अगले दिन हम अपलोड कर देते हैं। तो आज आइए हम ये देख लेते हैं कि अब दवा का प्रयोग कैसे करना है दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर उन तक जरूर कीजिएगा जो इस तरह की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है दोस्तों। दवा का प्रयोग 5 बूंद आपको सुबह दोपहर शाम आधे कप गुनगुने पानी में हल्के ल्यूक वार्म वाटर में आपको डाल लेना होता है, और दवा को सिप बाय सिप पीजिए आप। थोड़ा सा जैसे आप चाय पीते हैं तो आराम से पीजिए, ताकि दवा आपके ओरल कैविटी से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है और आपके बॉडी में अच्छा एक्शन लेती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही स्पॉन्जिया मेडिसिन के बारे में था दोस्तों। इसका पिक्चर मैंने बगल में लगा दिया है, दवा का कैसे प्रयोग करना हमने बता दिया है। कुछ लोग पूछते हैं किस कंपनी का दवा यूज़ करना है दोस्तों। डॉक्टर रेग्वे की मिल जाए बहुत अच्छी बात है, WSI या SBL कंपनी की पैक्सिसी लीजिए, किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको दवा आराम से मिल जाती है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।